हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के साइन। नाउ ये रीडिंग होगा पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके कि कौन सी चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो अभी, लाइक व्हाट अदर थिंग्स यू आर नॉट एबल टू सी और यू आर नॉट एट ऑल सीइंग। क्या वो चीज़ है जिसको आपको देखना चाहिए बट आप उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हो? तो चलिए देख लेता हूँ माँ आपको क्या कह रहे हैं। So, let's get started and reading start करने से पहले मैं private reading वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई product sell करता हूँ, तो scammers से बचिएगा। So, ठीक है, मंत्र chanting कर लेता हूँ, उसके बाद start कर लेता हूँ। So, आप माँ को याद कीजिएगा। ओम काली काली महाकाली काली के पापा हरि धर्मत्तम करे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करल वदनं घोरं मुक्त केशं चतुर्भुजं काली कं दक्षिणं दिब्बं मुन्नमाल विभूषितं सदा चिन्न सीर कर गो बामण दो कर नंब जम भयं बरदन जीव दक्षिण अर्ध पानी का महामेघ प्रभं सेवं तथा जीव दिगंबरिं गड्ढव सक्त मंडली कल अधर उदर चर्चितं करणं वतन सतत नाथ शव जीव भयनकं कर दष्टं कर लक्षं पिन्नति वदनं सवनं कर संघात कितत कंच सुमगन शुक्रदय कल तुधारा विश्वितनं गुरु बैं मारदन सुजने वासिनं बालक मंडलाकार लोचन त्रयमितं दंतुरं दक्षिण बैबिलम मानुगच्छम स्वरूप महादेव चामुंडा माँ सुबह पे भी आया और अभी भी आ रहे हैं। सो आई थिंक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कितना ज्यादा नेगेटिव कनेक्शंस के अंदर हो। ओके, मन में कुछ ऐसा चीज़ है जो बार बार आपको डिफरेंट डिफरेंट फियर के पास लेके जा रहे हैं। सो यू आर बेसिकली सराउंडेड बाय फियर्स। तो जो भी घटना घट रही है आपके लाइफ में, जो भी चीज़ हो रही है, वो उसका रियलिटी मतलब आपके लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा टफेस्ट कंडीशन में हो, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, मेंटली, तो ये एक टेम्पररी है और ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप खुद इस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे हो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है और यही आपके फ्यूचर है, इसी गटर पे ही आप एकदम परे रहोगे, लाइक यही यहाँ पे ही आप रह जाओगे, आपका आप कभी भी इस दलदल से नहीं निकाल पाओगे खुद को। आई थिंक ये सोच को बदलनी है। लाइक लिटरली आप देख रहे हो कि चाहे आप बोलो कि स्पिरिचुअल अटैक या फिर बोलो कि नेगेटिव एनर्जी, जो भी आप बोलो, बट करना आप ही को है। माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना ही है। ये सब नेगेटिव चीज़ बकवास एनर्जी को क्रिएट करते हैं। सो नाउ व्हाट माँ चामुंडा इज सेइंग कि अगर आपके भक्ति है, अगर आप विश्वास करते हो डिवाइन वॉकिंग्स के ऊपर, तो आप इतना ज़्यादा बाहर की तरफ क्यों देख रहे हो, इतना ज़्यादा वैलिडेशंस क्यों ढूंढ रहे हो? आपको पता है कि माँ आपको मुक्ति देंगे, माँ आपको हेल्प करेंगे। सो आप अगर बहुत ज़्यादा इम्पेशंस फील कर रहे हो कि कब होगा, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये दिन तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, स्ट्रगल तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो प्लीज़ रोकिए। कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो, वो हो सकता है कि आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हो सकता है साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो रहे हो सकता है अंदर से आप कंप्लीटली टूट चुके थे। बिकॉज हम जब कोई गोल्स अचीव करते हैं, कुछ भी टारगेट को सेट करते हैं, तो हम नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या बीत रहे हैं। एंड वही चीज़ हो रहा था आपके साथ कि आप अगर कोई चीज़ को अभी सेट किए हो, गोल सेट किए हो, जो भी अपने मैनिफेस्टेशंस के लेके चल रहे हो, उसमें आपके पर्सनल ग्रोथ मिसिंग था, आपके हेल्थ या फिर आपके बॉडी माइंड स्पिरिट के जो बैलेंस वो मिसिंग था। सो माँ इस चीज़ को फिक्स कर रहे हैं, माँ आपके लाइफ से साइकिक अटैक्स को रिमूव कर रहे हैं, सोल को हील कर रहे हैं, पास्ट ट्रॉमा को हटा रहे हैं। ये चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे एक मैसेज आपको दे रहे हैं माँ कि चिंता मत करिए, सही टाइम आ जाएंगे, बेस्ट टाइम पे आपको अपना रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बार बार माँ से कंप्लेन मत करो, ओके, कंप्लेन मत करो, रैदर आप विश्वास के ऊपर फोकस करो कि ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए, काइंड ऑफ ऐसे सोच आना चाहिए आपको। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस माँ आपको दे रहे हैं। वाह, ब्लू तारा माँ, नाउ यहाँ पे आप फ्यूचर को मिस कर रहे हो। आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप हमेशा एक
अच्छा पथ को चूज किए हो, सो लाइफ में जहां पे भी आप जाओगे वहां पे आपको ब्राइट अपॉर्चुनिटी मिलेंगे. बट प्रेजेंट के ऑब्स्टिकल्स को अगर आप बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हो कि लाइक आपके पर्सन चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहे, सिचुएशंस चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहे, जॉब एकदम बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं, आई थिंक ऐसा अगर आपका परिस्थिति है, सो यहाँ पे माँ आपको एक ही चीज का गाइडेंस दे रहे हैं कि डोंट पे अटेंशन टू दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन योर प्रेजेंट, रादर थिंक अबाउट योर फ्यूचर. फ्यूचर में बहुत बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं, फ्यूचर में बहुत नए तरीके का ब्लेसिंग्स एंटर कर रहे हैं, सो प्लीज़ उसके बारे में सोचें. थर्ड, पर्टिकुलरली अगर आप एक पैटर्न में फंसे हो, लाइक डिप्रेस्ड हो रहे हो, कभी ठीक हो रहे हो, फिर से डिप्रेशंस, फिर से ठीक हो रहे हो, फिर से डिप्रेशंस, सो ये ऑन एंड ऑफ पैटर्न में अगर आप फंसे हो उसको इमीडिएटली क्लोज करिए, क्योंकि माँ मदद कर रहे हैं. सो अगर आप लाइक होपलेस हो रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे आप चीज़ को फिक्स करेंगे, सो माँ आपको एक ही चीज़ का सलाह दे रहे हैं कि यू नो आपके जो ह्यूमन जो परसेप्शंस है वो बहुत लिमिटेड परसेप्शंस है, आपके परसेप्शंस बहुत लिमिटेड है, आप जहाँ पे देखना बंद करते हो वहाँ से डिवाइन काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने फिजिकल बॉडी एंड माइंड एंड फिजिकल नज़रिए से, अगर फिजिकल ऑब्जर्वेशन से यानी कि बाहर से अगर एक्सटर्नली अगर आप देखोगे तो चीज़ों को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. कहीं ना कहीं आपको विश्वास करनी है कि आप जो काम कर रहे हो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट फ्यूचर में होगा, आप जो भी आपके ट्रॉमा को हील कर रहे हो इससे आपको मदद मिलेंगे. सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि ज़्यादा कनेक्ट करना होगा आपको, शायद आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, नींद ठीक से नहीं हो रहे, सो व्हाट यू आर नॉट एबल टू सी, यू आर नॉट एबल टू सी योर हीलिंग, कि आप चेंज हो रहे हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो, आपका मूड स्विंग्स उतना खराब तरीके से नहीं हो रहे है, सो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चीज़ हो रहे है और उस चीज़ पर आपका फोकस नहीं है, आपको सिर्फ फोकस है कि आपके प्रेजेंट में छोटे छोटे चीज़ क्या नहीं हो रहे. सो यहाँ पे आप अपने परसेप्शंस को चेंज कीजिए, जो नहीं हो रहे हैं वो भी हो जाएगा, बट अभी माँ देख रहे हैं कि आपके ग्रेटर गुड के लिए क्या रहेगा, मतलब कि आप मान लीजिए दिल्ली से आप जा रहे हो साउथ इंडिया, ओके, दिल्ली से साउथ इंडिया जा रहे हो, नाउ आपको ये देखना है कि माँ कौन सी चीज़ देख रहे हैं कि दिल्ली से साउथ इंडिया का फ्लाइट सही तरीके से होगा कि नहीं, या फिर दिल्ली से साउथ इंडिया का रेल सही तरीके से जाएगा कि नहीं, ये चीज़ माँ देख रहे हैं. बट आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि घर से रेल स्टेशन या फिर घर से एयरपोर्ट का जैम क्यों हट नहीं रहे, सो आप सोच रहे हो कि ये जैम क्यों नहीं हट रहे, और माँ क्या सोच रहे हैं कि वो फ्लाइट सही होना चाहिए क्योंकि ये जैम 5-10 मिनट का है और वो हट जाएगा, बट वो फ्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अपने जर्नी को समझिए, आप जो चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो ये टेम्पररी है और ये टेम्पररी इमोशंस के ऊपर मत फोकस कीजिए, आप अपने परमानेंट गोल के बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए. प्रेजेंट रिजेक्शंस को हटाना होगा क्योंकि कुछ प्रेजेंट रिजेक्शंस आपको 10 times ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, बट अभी आप उस दर्द के अंदर साथ हो जो दर्द शायद आपके फ्यूचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते. सो कहीं ना कहीं इस डिप्रेसिंग स्टेट से बाहर आइए, ये नेगेटिव स्टेट से बाहर आइए, आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप हेल्दी हो एंड आपका फ्यूचर ब्राइट है, इस चीज़ को मानना होगा आपको कहीं ना कहीं. ओके, लेट्स सी और क्या चीज़ आप देख नहीं पा रहे इस टाइम. वाओ, भवतारिणी माँ, नाउ भवतारिणी माँ मतलब फलहारिणी माँ, सो आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका कर्मा किस तरीके से आपको रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि जो भी गुड कर्मा आप किए हो उसका आपको प्रॉपर तरीके का रिवॉर्ड एंड रिप्लाइज मिल जाएगा. बट माँ आपको फोकस एक चीज़ के लिए कर रहे हैं कि डेली प्रेयर्स करना होगा, शायद आप डेली प्रे नहीं कर पा रहे हो. डेली प्रेयर मतलब ये नहीं कि व्रत रखना, फूल चढ़ाना, ये नहीं, डेली प्रेयर मतलब आप काली माँ को फील कर रहे हो अपने बॉडी पे. सो प्लीज़ टेक अ मोमेंट, लाइक टेक 10 minutes, 15 minutes, आधा घंटा, जैसे आप, इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी,
बट दिन में कुछ एक ऐसा चीज़ आपको अलग करके रखना है जहाँ पे बैठ के आप माँ के साथ कनेक्ट कर सको। आप कितना फूल चढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या रूल्स फॉलो कर रहे हो, कुछ भी नहीं चाहिए। लाइक आपको सिर्फ माँ के साथ बैठ के बात करना होगा। यू आर नॉट एबल टू डू दैट। अभी भी आपके मन में फियर है कि माँ अगर गुस्से में आ जाएंगे तो, अभी भी आप जो सोशल कंडीशनिंग है उसको लेके चल रहे हो। वेल, अगर आप एक हीलर हो या फिर एम्पैथ हो तो माँ आपको यही चीज़ का सलाह दे रहे हैं कि देखिए आपके स्पिरिचुअल ईगो ना बढ़ जाए, इसीलिए माँ आपको बूंस को, आपके जो वर है वो वर को माँ धीरे धीरे आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। अचानक अगर माँ आपको सारे वरदान दे देंगे तो आपका स्पिरिचुअल ईगो हाई हो जाएंगे, तो आपको लग जाएगा कि आप ही डिवाइन हो और आपके वजह से ही ये डिवाइन का चेंजेस हो रहे हैं। सो फलहारिणी माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आपका जो एक्शंस है वो माँ बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखे हैं। सो आपका गुड एक्शंस का रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी पास्ट लाइफ टाइम पे आप बुरे कर्मा किए हो या फिर इस लाइफ टाइम पे आप ना जानते हुए भी कुछ अनइंटेंशनली कर्मा किए हो, उसको भी माँ हील कर रहे हैं। तो शायद आपको ये पता नहीं है कि आपके लिए जो लाइफ आप डिजर्व करते हो वो लाइफ आपके लिए वेट कर रहे हैं। माँ आपके साथ है, माँ आपके साथ बात कर रहे हैं, आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कार्मिक रिलीज को माँ इस टाइम पे करवा रहे हैं, तो इसीलिए जो भी छोटे मोटे रिजेक्शंस, छोटे मोटे नेगेटिविटी, इवन एंजाइटी आप फील कर रहे हो, इट इज़ ड्यू टू अ कार्मिक रिलीज। और वो माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि ये इसीलिए करें ताकि फ्यूचर में आप एम्पावर्ड हो, फील कर सको, स्ट्रॉन्ग फील कर सको, आपकी ईगो आपको खा ना जाए। सबसे डेंजरस चीज़ क्या होता है, जब आप फील कर पाते हो कि आप बहुत पावरफुल एंड ताकतवर पर्सन हो, एंड दैट इज़ द डे जहाँ पे आप ख़त्म हो जाते हो। जहाँ पे भी आपको लग जाएगा कि यस आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो यू नो आप कुछ हो, यू आर डन, ख़त्म। बार बार ये चीज़ काली माँ, इसीलिए काली माँ इतना इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपकी ईगो को हाई नहीं होने देंगे। आप काली हो, काली आप में है, आप काली के अंदर हो। एंड आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप भी इक्वली पावरफुल, इक्वली स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। एक भी 99-100 नहीं है, इक्वली स्ट्रॉन्ग, बट अलग अलग डायमेंशन पे स्ट्रॉन्ग हो। माँ जो चीज देख पाते हैं आप वो चीज नहीं देख पाते हो। तो लाइफ को वन ट्रैक नहीं बनाइए। आप फेल हो रहे हो सिर्फ एक छोटे से पार्ट में, बट बाकी सारे चीज ना आपने एक्सप्लोर किए हो, ना आपको मौका मिला है, ना आपको पता है, ना आप कभी ट्राई किए हो। आप अपना घिसे पिटे परसेप्शंस लेके बैठ के बोल रहे होगे मैं फेल हुआ हूं। आप फेल नहीं हुए हो, आपको एक कंडीशनिंग में डाला गया है, उस पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। दैट इज वाई यू आर फीलिंग बेसिकली डिफीटेड। सो नाउ माँ क्या बोल रहे कि अपने डिफीट को डिफीट मत समझो, एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझो और आगे बढ़ते जाओ। कंसिस्टेंसी इज द की, कम्युनिकेशन इज द की, कॉन्फिडेंस इज द की। ये 3C को फॉलो करके चलिए, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंट एंड जो कमिटमेंट लेके आप चल रहे हो वो कमिटमेंट को आप करते जाओ, कम्युनिकेशन को करते जाओ। So be devoted and be committed to your spiritual mother. And माँ आपको ये भी एक चीज़ बोल रहे हैं कि जितना selfless होकर आप काम कर पाओगे उतना ज़्यादा benefit आपका होगा। So ये मत सोचिए कि अभी आपको क्यों नहीं मिल रहे, जब time होगा तब आपको मिल जाएगा। शायद आप future के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, डर रहे थे, तो इसीलिए माँ ने आपके सामने आके कुछ चीज़ को समझा दिया। नाउ एडिशनल नोट पे मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग मेंस्ट्रुएशनल पेन या फिर बॉडी का कुछ निचले हिस्से में कुछ दर्द की वजह से परेशान हो सकते हो। बेसिकली एक हेल्थ इश्यूज के लिए परेशान हो सकते हो। शायद डॉक्टर को फ़ोन किए हो या फिर सोच रहे हो कि क्या ये इशू मेजर है या फिर एकदम नॉर्मल। माँ आपको बोल रहे हैं कि नॉर्मल है, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि माँ आपको सुस्त बना देंगे। बट साथ ही साथ ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, तो कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज एट द एंड ऑफ द डे या फिर आने वाले टाइम पे या फिर आपके जिस तरीके से सोल डेवलप करेंगे आप ठीक हो जाओगे। लाइक परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम
घबराने का भी कोई जरूरत नहीं है. माँ इज टेकिंग केयर ऑफ यू एंड योर डियर वंस. ऑल द बेस्ट. जय माँ काली. एंड आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ भवतारिणी. इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन एंड विश्वास कीजिए. आप देखोगे जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो वो भी आपके सामने विजिबल हो जाएगा. विश यू अ वेरी हैप्पी फ्यूचर. बाय बाय. मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ. आप लोग शॉर्ट्स वीडियोज़ को भी देखते रहिए क्योंकि वहाँ पर मैं काली माँ के ज्ञान को अपलोड कर रहा हूँ. बाय बाय.